ये देखिए कितने क्रीमी बने हैं ये राजमा, और खाने में एकदम टेस्टी बनेंगे अगर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंडिया की मोस्ट फेमस डिश राजमा की रेसिपी। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। राजमा को ज़्यादातर चावलों के साथ पसंद किया जाता है, बट आप इसे रोटी पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ मैंने लिए हैं 1 कप राजमा, आप कोई भी वैरायटी का राजमा ले सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा वाला रेड राजमा लिया है, इसको कश्मीरी राजमा भी कहा जाता है। आपके पास जो भी राजमा अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। ये मैंने 1 कप राजमा को वॉश करके रात भर के लिए भिगोने रख दिया था, और देखिए ये अच्छे से फूल गए हैं। इनको हमें बॉईल करना है, तो बॉईल करने के लिए इन्हें हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 कप जितना पानी, साथ ही इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। इसे राजमा जल्दी कुक हो जाते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और कुकर का लिड बंद कर देंगे। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी आने तक पकाना है। सीटी आने के बाद में कुकर का प्रेशर अपने आप ख़त्म होने दें। कुकर में 4 सीटी आ गई है और कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। अब राजमा चेक कर लेते हैं। तो राजमा को इस तरह से दबा के देखिए, राजमा सॉफ्ट हो जाए और आसानी से दब जाए इसका मतलब ये है कि ये पक गए हैं। अगर ये आपको हार्ड लगे तो इसको थोड़ा और पका लें। अब एक पैन में डालेंगे 2-3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म हो जाने पर इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, यानी बे लीव्स डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे जिससे अपना फ्लेवर ऑयल में रिलीज कर दे। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 प्याज की प्यूरी। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप स्किप कर दें। मिक्स करते हुए इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर ले। थोड़ा सा नमक डालेंगे। ध्यान रखें नमक हमने राजमा उबालते टाइम भी डाला है, तो नमक थोड़ा ही डालें। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए और ये अपने फ्लेवर्स अच्छे से ग्रेवी में छोड़ दें। देखिए मसाले भुन गए हैं और खुशबू भी अच्छी आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी। अगर आप छोटे टमाटर यूज़ कर रहे हो तो 4 टमाटर यूज़ कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम कवर करके 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक मसाले अपना तेल ना छोड़ दें। बीच बीच में इसको चलाते रहें जिससे मसाले पैन में चिपके ना। जैसे जैसे मसाला भुनेगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं और मसाले भुन गए हैं, मसालों ने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है और कलर भी चेंज हो गया है इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर, आप इसकी जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से और कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। मसालों का अच्छी तरह से भुनना बहुत ज़रूरी है। जितना मसाला अच्छे से भुनेगा उतना ही अच्छा ग्रेवी में टेस्ट और फ्लेवर आता है। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें बॉईल किए हुए राजमा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको इसकी ग्रेवी गाढ़ी लगे तो आप इसमें गरम पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे हल्का सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी।
मुझे इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी पसंद है, देखिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना बटर के भी बना सकते हैं, बट बटर का टेस्ट इसमें थोड़ा अच्छा लगता है। साथ ही डालें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स कर देंगे इसे। अब इसको कवर करके एक बॉयल आने तक पकाना है। देखिए राजमा में बॉयल आ गया है और ये अब रेडी हो गया है, एकदम क्रीमी और टेस्टी बन के तैयार हुआ है ये। इसमें अब हम हरा धनिया डाल के इसको गार्निश करेंगे। एकदम क्रीमी और परफेक्ट राजमा बनके रेडी है। सर्व करें इसको चावलों के साथ या पराठों और चपाती के साथ में। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप ये राजमा बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और परफेक्ट बनेंगे। ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।